परमादरणीय प्रांगण विराजमान श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन, वे प्यार भरा राम राम। अच्छे अच्छे कलाकारों को आपने बहुत अच्छे ढंग और तरीके से सुना, और जैसा कि आदेश आदरणीय पंच कमेटी की तरफ से, प्रत्येक कलाकार अपनी अपनी योग्यता का परिचय देते हुए चला जा रहा है। गजराज को प्यास लगी वन में, गज माने हाथी। निवेदन यह श्रोताओं से, इधर उधर की बातें कुछ देर के लिए बंद करिए, क्षमा चाहूंगा। आपसे ही कह रहा हूं भैया, आप लोग किसके लिए आए हैं? सुनने के लिए आए ना, क्षमा चाहूंगा। सुनने ध्यान से, जब पीवन नील सरोवर थायो, गजराज ने पैर दियो जल में, तो गिरहान आ जा को पाम दबायो। गजराज ने भारी छोड़ायो। साखी का जो आदेश, आइए कोशिश करते हैं। साखी अधिकतर हम आध्यात्मिक सुनाते हैं, और नई साखी सुनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से जरूर सुनना। पिया तेने ऐसो कहा दुखी पायो, पिया तेने ऐसो कहा दुख पायो। कौन कहता है इस बात को? हो गांव के वर्तमान प्रधान है, चार बेटे इनके नौकर हैं, लेकिन साथ हमारे साथ ढोलक बजाने का है। एक बार चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां आप भी बजा दीजिए। क्या बात है,
क्या भैया ने तो रंग की शर्म करी है थोड़ी गनी। अरे छोड़ दियो महल क्या घर में कर तो अनोखी चहल और पिया पहल रे तेरी नार परेखे करी चाहिए। या महल में लग रहे दस दरवाजे, कितने दरवाजे हैं इस महल में? दस। कितने दरवाजे खुले हुए हैं, कितने दरवाजे बंद हैं? या महल में लग रहे दस दरवाजे, बजती तरह है तरह के बाजे, पिया तेने पहले नौ रस्सी लूटे, अब तेरे सबरे रिश्ते टूटे, पिया तो बिन छोड़ गए अपने, रह गए सब ही अधूरे सपने, पिया मत महल पे कागी उड़ाओ, खिलतो कमल फूल मुरझाओ। और प्रधान जी तेरे शिथिल भय सब अंग, अरे बिना रतन या रंग महल के, पिया कोई लगे ना तेरे आइए। अब ले चलता हूं एक नए से प्रसंग की तरफ, प्रसंग रामायण से सुनाऊंगा। अपने ध्यान को एकाग्रित कर दीजिएगा श्रोता बंधुओं। अवधपुरी के अंदर बड़े तेजस्वी राजा हुए, नाम आता है राजा दिलीप का। राजा दिलीप बड़े ही पराक्रमी राजा थे, ध्यान से सुनिए। राजा दिलीप बड़े पराक्रमी राजा थे। श्रोता बंधु बहुत समय हो गया राज चलाते चलाते, बहुत अच्छे ढंग तरीके से अपना राज चला रहे हैं, लेकिन एक गलत समय आ गया। पूरे अवधपुरी वासी सभी नागरिक राजा दिलीप का मुखारविंद नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि राजा दिलीप पर कोई संतान पैदा नहीं होती है। राजा दिलीप ने पुत्री रह गए, विचार किया अब मुझे कहां चलना चाहिए। जितने भी सूर्य वंश में राजा हुए उनके कुलगुरु कौन रहे? गुरु वशिष्ठ। क्या बात है, चलना चाहिए गुरु वशिष्ठ के पास और पूछना चाहिए। चले जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम किया और पूछा, प्रधान जी भूपदलीप, ये मराठी सुना रहा हूं और पुरानी तर्ज सुना रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तो आपका जिस्म जरूर झूमेगा। लीजिए भू
संतान पैदा नहीं हो रही है। तू कितना भी दान कर ले, कितना भी पुण्य कर ले, कितना भी धर्म कर ले, पर संतान का मुंह नहीं देख पाएगा। गुरुदेव मुझे याद नहीं है, याद नहीं है, नहीं, पैरों को पकड़ लिया और गाय में कह रहे हैं, समय है साहब, तुमने गाय की कई में एक चीज फालतू सुनाई है। गाय थे पहले मराठी और आप गाया कह रहा है प्रधान जी, भैया सुन मनमर के भे, सुन मनमर के बुन भूपने बचनो चारा मेरे भाई साफ दियो दे दो तुने के सारा मेरे भाई
मुझे याद नहीं है किस गैया ने श्राप दिया, कहां दिया, कब दिया, क्यों दिया। राजन सुन ध्यान से, जब तू देवताओं की मदद करने के लिए गया, हाँ याद आ रहा है गुरुदेव, मैं देवताओं की मदद करने के लिए गया, फिर वहां से तू विजय प्राप्ति करके वापस हो रहा था, रास्ते में तेरे लिए एक गैया मिली जिस गैया का नाम था कामधेनु। उस गैया के लिए तेने दंडवत प्रणाम नहीं किया और उस गैया ने तेरे लिए श्राप दे दिया कि तू संतान का मुंह नहीं देख पाएगा। गुरुदेव मुझे याद आया, मैंने गैया को दंडवत प्रणाम किया, फिर दंडवत प्रणाम तो किया लेकिन आकाश में जो गंगा जी बहुत तेजी से बह रही थी, बहुत आवाज थी उस गंगा की, उसके शोर में उस गैया ने नहीं सुना, तेरे लिए श्राप दे दिया। अब इसका एक उपाय है, गैया ने ये कहा है अगर तेरे लिए संतान चाहिए, तेरे लिए पुत्र चाहिए तो तू मेरी बेटी है जिसका नाम नंदिनी है, तू उसकी सेवा करेगा तो तेरा लड़का हो सकता है। श्रोता बंधुओं सुन, मैं अच्छा सुन, मुनवर के बहन कहा गुरुदेव मुझे याद आ रहा है और तुमने बता दिया, अब मैं जा रहा हूं उस नंदिनी की सेवा में। गुरु वशिष्ठ से जुगत पूछ के राजा मन हर्षाय है, अज्ञा लेके मुनवर से लौट महल में आया है, अपनी रानी ते राजा हंस हंस के बतरायो, यानी आपको सबरो हाल बतायो। गुरुदेव ने कह दिया रानी अब हमारा लड़का होगा, तू महलों में रहना, मैं उस नंदिनी की सेवा में जा रहा हूँ। चला गया और प्रधान जी और चल दिया और हर साय चलावे गाय न बिलम लगाया संग वो राजा बिकट बनी में आयो। अब सेटिंग क्या कह रही है हमारे साज की और गाने की प्रधान जी। अरे कैया दीनी खोल रहो वो खोल रहा वो डोल बनी में राजा कैया पे तक मुले जाए तो जा घास उग रही ताजा। संग संग गैया के डोले गैया चल रही तनक अगारी है, चारों तरफ लखावे राजा गैया के चले पिछारी है, खुल के गैया घूमे वन में मन को सो चल रही चारो, अब या कोई ना रोकन आरो। श्रोता बंधुओ राजा दिलीप उस गैया को उस नंदिनी को वहां ले जाता है जहां हरी हरी घास दिखती है और गैया की सेवा में लीन हो गया। और प्रधान जी एक दिन क्या हुआ, गैया को ले गया बियाबान जंगल में, दिल में विचार किया अब गैया को कोई बहन नहीं है, अब तो गैया को छोड़ देना चाहिए, अब गैया को चरने के लिए छोड़ देना चाहिए और मेरे लिए क्या करना चाहिए सुनिए। और
और भजन पे बैठो प्रभु को नाम समार है। प्रधान जी राजा भजन में लीन हो गया और गैया को छोड़ दिया, कथा ने मोड़ लिया। एक शेर की धारा सुनी नंदनी के दिल में भयो से कारो है, गैया के दिल में भयो से कारो है। जान बचा के भगदैये के लखनियो बरक बारो है। टाइम ओवर, समय हो गया। राम राम साहब, प्रेमवीर सिंह खान पर।